हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तिथि मई में निर्धारित की गई है। और दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए मैं आज सामान्य विज्ञान का एक क्रमिक वीडियो, यानी इसके पहले मैंने क्रमिक क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां शुरू की और अंतःस्रावी ग्रंथि का इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट फर्स्ट आपको मिला होगा। उस पार्ट में मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड से आप सभी का परिचय करवाया था और हमने उसी क्रम में पीनियल ग्लैंड को पढ़ा। और आज दो महत्वपूर्ण ग्रंथियों के साथ, टू इम्पोर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, आज आपसे मैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में डिस्कस करूंगा। और आज यहां हम समझेंगे कि इन ग्रंथियों से किस प्रकार से कैसे प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हम इजीली हल करें। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का बैच प्रारंभ है। और आपको बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर 8736093317 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके किसी भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों, यह बैच मिस्टर रवि सर के निर्देशन में शुरू किया गया है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आज हमारा विषय क्या है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि का एक महत्वपूर्ण पार्ट, दो ग्रंथियां आज आपसे डिस्कस करनी है, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। सो फ्रेंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड हमने स्टार्ट किया और इंडोक्राइन ग्लैंड का आज सेकेंड पार्ट मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो आज का जो पहला हमारा विषय है वो रहेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से हाइपोथैलेमस ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। हम जानते हैं कि ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, बट वो मस्तिष्क में कहाँ होती है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। सो फ्रेंड, देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क का तीन भाग होता है। ठीक, पहला है अगर मस्तिष्क, इसको हम कहते हैं फोरब्रेन। और उसके बाद यहां रहा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और दोस्तों, यह हो गया पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क का लगभग 99% भाग होता है प्रमस्तिष्क, यानी इस भाग को हम कहते हैं सेरेब्रम। और हमने इसके पहले देखा कि सेरेब्रम में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ हमने देखा कि पीनियल ग्लैंड जो कि सेरेब्रम के पीछे वाले भाग में स्थित रहती है। और फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यहाँ पर थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट नीचे, सॉरी, यहाँ पर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ होती है हाइपोथैलेमस, अगर हम बात करें प्रेजेंट की। और यहां है पिट्यूटरी ग्लैंड।
अगर अवस्थिति की बात की जाए तो ये प्रमस्तिष्क हो गया, और इस भाग का जो दूसरा भाग हमारा होता है ब्रेन का, एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, एक भाग होता है डाई एंसिफेलॉन। सो फ्रेंड्स, इस बात को आप जानते रहिए कि डाई एंसिफेलॉन में ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों प्रेजेंट रहती है, यानी ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक, और अग्र मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग है वो क्या हो गया, सेरेब्रम, और जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है यानी कि डाई एंसिफेलॉन, और डाई एंसिफेलॉन में ही दो ग्रंथियां होती हैं, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे इन ग्रंथियों की बात करूं तो आज का जो हमारा विषय यही दोनों ग्रंथियां हैं, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं पहले हाइपोथैलेमस के बारे में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जिसे हम हेडमास्टर, इसे हम हेडमास्टर भी कहते हैं, या इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। चूंकि देखिए, हमें पता है, प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि शरीर में मास्टर ग्लैंड क्या है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि है। परंतु अगर प्रश्न पूछ दे कि शरीर में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसे कहते हैं हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर। ऐसा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि, यानी केवल यह केवल पीयूष ग्रंथि पर ही नियंत्रण स्थापित करती है, यानी अन्य किसी ग्रंथि पर नियंत्रण स्थापित नहीं करती। हाइपोथैलेमस केवल पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं यह केवल पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने के कारण इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर और हेड मास्टर कहते हैं। अगर बात की जाए कि यह पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, तो आइए देखते हैं कि आखिर यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। और बेसिकली देखिए, इसका नाम हाइपोथैलेमस है, तो हाइपो का मतलब होता है हाइपर, और हाइपर का अर्थ है गुस्सा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे गुस्से का नियंत्रण होता है, गुस्सा, घृणा, ये सभी कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अभी इसकी बातें हम आगे कर लेंगे कि दोस्तों कैसे कार्य करता है। अब देखिए, यदि बात की जाए कि आखिर ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कैसे नियंत्रित करता है, तो देखो दोस्तों क्या होता है, यहां देखिए, यहां से दो टाइप हार्मोन निकलता है, टू टाइप हार्मोन, यहां से दो तरह का हार्मोन निकलता है। अगर हम इन दोनों दोस्तों हार्मोनों की बात करें, देखिए, एक होता है मुक्तकारी हार्मोन, दैट मीन्स रिलीजिंग हार्मोन, एक यहां से निकलता है, यानी अभी हम जान रहे हैं कि आखिर यह हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, यहां से निकलता है, एक निकलता है मुक्तकारी हार्मोन जिसे हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और
यहां से दोस्तों एक निकलता है निरोधी हार्मोन, जिसे हम कहते हैं इनहिबिटर हार्मोन। तो देखा आपने यहां से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें यहां से रिलीजिंग हार्मोन की, तो रिलीजिंग हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? फ्रेंड्स, ये करता क्या है, यह पीयूष ग्रंथि का सिक्रेशन यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलते हैं यह मुक्तकारी हार्मोन क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को बढ़ाता है। लिखा गया मुक्तकारी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और इसका मतलब है निरोधी हार्मोन यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को सिक्रेशन को क्या करता है, रोकता है, कम करता है ना। देखिए किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, यानी यहाँ पर जो रिलीजिंग हार्मोन है, जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रेशन को ये बढ़ाता है। और अगर वही बात करें हम निरोधी यानी कि इनहिबिटर जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, ये ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है, रोकता है। सो फ्रेंड देखिए, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को बढ़ाता है, ठीक। और यदि यही बात की जाए निरोधी हार्मोन के बारे में, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल सिक्रेशन को कम करता है, यानी हमने यहां पर देखा एक ऐसा हार्मोन यानी कि जो ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को किस प्रकार से कंट्रोल करती है। दोस्तों इसमें एक क्या होता है, यहाँ से दो तरीके का हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन ऐसा है जिसको हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और रिलीजिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के सिक्रेशन को यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को ये क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और वही अगर बात करें हम यहाँ जो निरोधी हार्मोन है, तो निरोधी हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन की संख्या को डिक्रीज करता है, कम करता है। तो यहाँ पर यह हार्मोन कम और अधिक करके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर या फिर इसीलिए इसे को हम हेड मास्टर कहते हैं। और इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह ऐसा ऐसी ग्रंथि है जो केवल पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करती है और किसी कंट्रोल नहीं करती। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते ही दोस्तों यहाँ पर और क्या होता है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग इसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात करें तो इसका काम एक और होता है। हमने पढ़ा हुआ है थर्मोस्टेट नामक एक इक्विपमेंट होता है थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट का वर्क होता है कि टेम्परेचर को बिल्कुल इक्वल रखना है ना, टेम्परेचर को इक्वल रखना, तापमान को घटने और बढ़ने से रोकना, तापमान को स्थिर रखना, यह कार्य होता है थर्मोस्टेट का। अब देखते हैं दोस्तों, जो हम इंसान होते हैं, मनुष्य, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली कितना होता है, हमारे बॉडी का तापमान एग्जैक्टली होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तापमान की बात की जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए
अगर मान लीजिए वायुमंडल का तापमान, हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान घटता है, यानी ठंडी का मौसम जब आता है तो तापमान हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। क्या तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस होने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, उतना ही बना रहता है। यानी दोस्तों, ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार कम या अधिक नहीं होता, उनको हम कहते हैं अनियतितापी, यानी वर्म ब्लडेड कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा किसी भी मौसम में वो एग्जैक्ट 37 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो शरीर के तापमान को यह स्थिरता कैसे मिलती है? फ्रेंड्स, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही होती है जो हमारे शरीर के अंदर तापमान नियामक का कार्य करती है, यानी कि थर्मोस्टेट का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये शरीर के तापमान को घटने और बढ़ने से रोकती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यह शरीर का तापमान स्थिर रखती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम तापमान नियामक कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल स्थिर रखती है, तो इसको हम तापमान नियामक कहते हैं। और दोस्तों, यदि इसी क्रम में हम आगे बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड में कंट्रोल होती हैं। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, हाइपर, यानी हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपर। सो फ्रेंड, ध्यान देना, यहां पर होता यह है कि यहीं पर अगर कोई व्यक्ति हंगरी है या थ्रस्टी है तो हम कहते हैं भूख प्यास, भूख और प्यास और कुछ भाव। अगर भाव की बात की जाए तो जैसे क्रोध होता है, मीन्स गुस्सा, क्रोध या प्रेम या भय, फियर। यानी कि यही पर ये ऐसी ग्लैंड है जहां पर भूख प्यास भाव, जैसे कि क्रोधित होना है ना, या इसके अतिरिक्त प्रेम, किसी से लगाव हो जाना, या फिर भय, इन सभी का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस में ही होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और यदि हम दोस्तों आगे बढ़ें तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें यहाँ जाननी पड़ेंगी। जैसे कि हम कुछ ऐसे हार्मोन पढ़ते हैं, कुछ किताबों में आपको मिलता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इन दोनों का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उन किताबों को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पालियां होती, 3 लोब होते हैं। तो जो पश्च पाली होती है, उसी पश्च पाली में वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्टोरेज होता है, ना कि सिक्रेशन। सिक्रेशन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस की अग्रपाली से। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, यहां से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां जो है हाइपोथैलेमस की अग्रपाली, यानी फ्रेंड्स यहां क्या होता है,
यहाँ होता है इंटीरियर लोब। तो हाइपोथैलेमस की अगर पाली से यानी हाइपोथैलेमस के इंटीरियर लोब से फ्रेंड्स यहाँ होता ये है, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले इसको मैं लिख दूँ अंग्रेजी में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस, फ्रेंड्स यहां से क्या होता है, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन। क्योंकि मैंने क्या बोला आपसे कि ये निकलते कहां से है, ये निकलते हैं हाइपोथैलेमस की अग्र पाली से, और इनका स्टोरेज कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्च पाली में, यानी पीयूष ग्रंथि में इनका संचय होता है और निकलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से हार्मोन है। सो फ्रेंड यहां दो हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, जिसे हम कहते हैं ए डी एच यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और फ्रेंड्स एक होता है ऑक्सीटोसिन। यानी ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस की अग्रपाली से इनका सिक्रेशन होता है। और यदि बात की जाए इनके स्टोर की, तो इनका स्टोर कहां होता दोस्तों, अगर बात करें इनके स्टोर की, इनके संग्रह की, तो इनका स्टोरेज होता है पीयूष ग्रंथि के यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पश्च पाली। चूंकि देखिए पीयूष ग्रंथि में तीन पालियां होती हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद आप लोगों को, तो फ्रेंड बताऊंगा उसमें तीन पाली होती हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब में, ठीक है ना, पोस्टीरियर लोब में क्या होता है, इन हार्मोनों का संग्रह होता है, और उसके बाद ये हार्मोन वहां से निकल करके अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इन हार्मोन्स का क्या महत्व है या इनसे किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम इन सभी हार्मोन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या करता है एडीएच हार्मोन और दोस्तों क्या करता है ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए डी एच, जिसे हम कहते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। सो फ्रेंड्स इसी को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। फ्रेंड्स इसी को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो इस हार्मोन से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे यहां चर्चाएं हम लोग करेंगे। देखिए अगर हम बात करें इनके शब्दों की, तो एंटी ठीक यानी प्रतिकारी, डाई यूरेटिक, यहां देखिए यहां डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, यूरेटिक का मतलब होता है यूरिया यानी कि यूरिन, है ना। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके शब्दों की बात करें तो एंटी डाई यूरेटिक यानी कि यह क्या करता है, यूरिन के एंटी कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि अगर यह हार्मोन जब बढ़ेगा
तो यूरिन की मात्रा को कम करेगा। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ कह रहा है कि अगर ये हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यूरेटिक मतलब क्या दोस्तों होता है, होता है यूरिन यानी कि मूत्र। तो दोस्तों हम कह सकते हैं डाई मीन्स होता है दो गुना, यूरेटिक का मतलब क्या होता है यूरिन, है ना, और एंटी मतलब क्या होता है दोस्तों विपरीत। अगर इसके शब्दों पर हम जाएंगे तो क्या है इसका मतलब, यह जो है यूरिन के स्राव को दो गुना कम करता है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी शब्द ऐसे आते हैं तो लोग कहते हैं कैसे समझेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है, तो बहुत ही आसान तरीका है तो समझने का, बस उसके शब्दों पर जाइए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि एंटी यानी विपरीत कार्य करता है, दो गुना कम करता है किसको, यूरिन को, ठीक है। तो दोस्तों यूरिन की मात्रा को यह दो गुना कम करता है, और अगर आगे बात करें हम इसमें यह मूत्र की यानी यूरिन की मात्रा को कम करता है, यानी कि यह क्या करता है, यह मूत्र की मात्रा को दोस्तों कम करता है। अब यह मूत्र की मात्रा को कम कैसे करता है, किस प्रकार से यह कम करता है, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, है ना, हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, और इन गुर्दों में क्या होता है, इन गुर्दों में, इन किडनी में हमारा प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा यहीं पर छनता है, और प्लाज्मा के छनने के बाद जो मूत्र में वेस्ट होता है वो पर्डे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से ये ADH यूरिन की मात्रा को कम करेगा। फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में 96% क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है हमारे यूरिन में 96% क्या होता है, वाटर होता है। तो देखिए जब जो है जब ब्लड के थ्रू यानी कि यहां से जो ब्लड होता है पहुंचता है यूरिन में और वहां क्या होता है, वहां पर छनता है, तो छनने के बाद क्या होता है यूरिन के थ्रू 96% जो वाटर होता है वो बाहर निकलता है। अब होता ये है कि जब ये हार्मोन बढ़ेगा, ठीक, जब ये हार्मोन अधिक होता है तो ये हार्मोन क्या करता है यानी किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर जल की मात्रा को कम करके इस जल को कहां भेज देता है, ब्लड में, ठीक, यानी कि यह हार्मोन जब अधिक होता है तो यहां जो किडनी में जल होता है, जो यूरिन थ्रू बाहर निकलने वाला होता है, उस जल की मात्रा को क्या करता है, उस जल की मात्रा को अधिकतम कहां भेज देता है, ब्लड में। जब वह जल किडनी से अधिकतम मात्रा में कहां पहुंचता है, यह पहुंचता है रुधिर वाहिकाओं में, तो यहां किडनी में क्या होता है, जल कम पड़ जाता है, और जब यहां जल कम पड़ता है तो यूरिन की मात्रा कम से कम हो जाती है। यानी जब यह हार्मोन बढ़ेगा तो क्या करेगा, हमारे यूरिन से जल की मात्रा को कम करेगा और उस जल को कहां भेजेगा, रुधिर वाहिनियों में, और उससे दोस्तों क्या होगा कि यहां जल की मात्रा हमारे यूरिन में क्या होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी। जब जल की मात्रा कम होगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होता है, मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। तो जब यह बढ़ता है तो मूत्र की मात्रा कम होती है। अब देखिए अगर ADH हार्मोन कम हो जाए, अगर ADH हार्मोन कम हो जाए तब क्या होगा, जब ADH की कमी होती है तो अधिक मात्रा में जो जल होता है रक्त में उपस्थित जल अधिक मात्रा में कहां पहुंचता है, यह पहुंचता है गुर्दे में, ठीक। यानी जब ADH हार्मोन कम होगा तो रक्त, तो जल अधिक मात्रा में कहां पहुंचेगा, जल अधिकतम मात्रा में पहुंचेगा हमारे गुर्दे के पास, और जब जल अधिक होगा
तो मूत्र की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब मूत्र की मात्रा बढ़ती है तो उसमें उसको एक बीमारी होती है दोस्तों, और उस बीमारी को हम कहते हैं मूत्र लता कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब यह बढ़ता है तो क्या होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं मूत्र लता, या इसको कहते हैं बहुमूत्रता। बहुमूत्रता या उसको कहते हैं पॉली यूरेमिया, पॉली यूरेमिया। ठीक। सो फ्रेंड, क्या हो रहा है यहां पर, जब एडीएच हार्मोन अधिक होता है तो जल को यूरिन से निकाल करके ये भेज देता है रुधिर में, और इससे हमारे मूत्र में जल की मात्रा कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि मूत्र को कम करता है। और जब एडीएच हार्मोन कम होता है, जब इसमें कमी आएगी तो अधिक से अधिक जल कहाँ पहुँचेगा, गुर्दे में, तो मूत्र त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, और उस रोग को हम क्या कहते हैं, बहुमूत्रता, या उसे कहते हैं मूत्रलता कहते हैं, या पॉली यूरेमिया कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो जब ऐसा जब पॉली यूरेमिया होगा तो उससे हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी, जल की मात्रा घट जाएगी, जिससे कि शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से ये एडीएच हार्मोन मूत्र की मात्रा को कम और अधिक करता है। जब एडीएच कम होगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब एडीएच बढ़ेगा तो मूत्र की मात्रा क्या होगी दोस्तों, यानी जब एडीएच कम होगा तो मूत्र बढ़ेगा, और जब एडीएच बढ़ेगा तो मूत्र की मात्रा घट जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जो है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसका एक नाम और है, उसको बताना मैं भूल गया आप लोगों को, इसका एक नाम और है पिट्रेसिन, इसी को हम कहते हैं पिट्रेसिन, इसी हार्मोन को पिट्रेसिन कहते हैं, या इसी हार्मोन को वेसोप्रेसिन कहते हैं, या इसी हार्मोन को एंटी डायरेटिक कहते हैं। और यहां देखिए, जो बीमारी ये होती है, इस बीमारी को हम बहुमूत्रता या मूत्रलता, या इसको पॉलीयूरेमिया, या दोस्तों इसी बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। यह होता है वेसोप्रेसिन। अब देखिए, हम अगले हार्मोन की बात करेंगे, तो देखते हैं अगला हार्मोन कौन सा है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो हमारा अगला हार्मोन दोस्तों है, वो है ऑक्सीटोसिन। मैंने आपसे भी कहा था कि निकलता कहाँ से है, निर्माण कहाँ से होता है, और इसका संग्रह कहाँ से होता है। अगर ऑक्सीटोसिन की बात की जाए, तो अगर निर्माण की बात करें, निर्माण इसका हाइपोथैलेमस में होगा, अगर बात करें संग्रह की, संग्रह होता है पीयूष ग्रंथि में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका संग्रह होता है, पीयूष ग्रंथि में। अब दोस्तों, यहां हम जानेंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है समीक्षा अधिकारी की ही परीक्षा में, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। ये क्वेश्चंस समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में ही आया है, ठीक है ना, कि प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो यदि फिर से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लेबर पेन को, प्रसव पीड़ा को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका हम क्या आंसर देंगे दोस्तों, आगे आते हैं। देखिए, इसका कार्य होता है, इसके तीन नाम हैं, इन तीनों नामों के अनुसार दोस्तों इसको हम बातें करेंगे। अगर हम नाम की बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रसव हार्मोन, क्लियर।
और प्रसव हार्मोन के बाद दोस्तों इसको हम कहते हैं लव हार्मोन, और इसी को हम कहते हैं लव हार्मोन के बाद इसका एक नाम और है, इसका एक नाम दोस्तों और है जिसे कहते हैं गर्भपात का हार्मोन। तो गर्भपात का हार्मोन इन तीनों नामों से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर इसे प्रसव हार्मोन क्यों कहते हैं, या लव हार्मोन क्यों कहते हैं, या गर्भपात हार्मोन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, ये ऐसा हार्मोन है जो प्रसव के दौरान जो मादा में अनैच्छिक या अरेखित पेशियां होती हैं, ये हार्मोन उन पेशियों में संकुचन पैदा करता है। जब पेशियों में संकुचन पैदा करता है तो उससे प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन उत्पन्न होता है। जब लेबर पेन उत्पन्न होता है तो शीघ्र ही क्या होता है, प्रसव संपन्न हो जाता है। इसीलिए इसको दोस्तों हम कहते हैं प्रसव हार्मोन। आइए देखते हैं कैसे कार्य करता है ये। जैसे हम दोस्तों मान लेते हैं ये कोई बच्चा भ्रूण में है, कोई बच्चा भ्रूण में है, तो दोस्तों ये जो हार्मोन क्या करता है, यहाँ देखिए यहाँ सब होती हैं अनैच्छिक पेशियाँ, यहाँ इन जो पेशियाँ यहाँ पर होती हैं उनको हम कहते हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं, अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ। दोस्तों करता क्या है, ये इन पेशियों में संकुचन पैदा करता है यानी इन पेशियों को सिकोड़ता है। ठीक, तो जब ये हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इन अरेखित या अनैच्छिक पेशियों को सिकोड़ता है। तो जब ये अनैच्छिक पेशियों को सिकोड़ता है तो ये भ्रूण क्या होता है, ये भ्रूण आगे आता है। और दोस्तों जब ये अनैच्छिक पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रसव पीड़ा, जिसको हम कहते हैं लेबर पेन। सो फ्रेंड्स क्या होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और इसके बाद क्या होता है, ये भ्रूण जो बच्चा होता है भ्रूण में ये आगे आता है, फिर जो दोस्तों फिर ये बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा ये हार्मोन कैसे वर्क करता है, यानी यह जो है अरेखित पेशियों को सिकोड़ता है, संकुचन पैदा करता है जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और शीघ्र ही बच्चा पैदा हो जाता है। अब देखिए इन सब के बाद वापस जो गर्भाशय होता है, यह ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय को वापस उसी अवस्था में, यानी गर्भाशय पहले जिस स्थिति में था, यह ऐसा हार्मोन है गर्भाशय को पुनः उसी स्थिति में लाकर उत्पन्न कर देता है। ठीक, तो गर्भाशय को इसकी पहली वाली स्थिति में लाने वाला हार्मोन कौन सा है, वो ऑक्सीटोसिन है, और अनैच्छिक पेशियों को संकुचित करके प्रसव में सहायता उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़े अगर तो देखते हैं, इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन। अगर बात करें लव हार्मोन की तो इसको लव हार्मोन क्यों कहते हैं, देखिए जैसे ही किसी माँ का शिशु उत्पन्न होता है प्रसव के बाद, तो माँ क्या करती है, उस शिशु को बड़ा प्यार मोहब्बत करती है, बहुत दुलार करती है, उसको अपने गले से लगा के रखती है और तुरंत उसको दूध पिलाती है। सोचिए कि डिलीवरी के दौरान उस माँ को अथाह दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, क्या वो माँ अपने बच्चे को फेंक देती है या उसको दूर रखती है, ऐसा नहीं ना। डिलीवरी के तुरंत बाद वह माँ उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों इसका मतलब यही वो हार्मोन है जो उस माँ और शिशु के बीच प्रेम, आलिंगन, चुंबन या गले लगना, प्यार दुलार, इन सभी को क्या करता, तुरंत जनरेट करता है यही हार्मोन। और यही कारण है इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं।
इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसका एक नाम और है, गर्भपात हार्मोन। इसे हम कहते हैं गर्भपात हार्मोन। तो इसे गर्भपात हार्मोन क्यों कहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने दोस्तों क्या बताया आपसे कि जब डिलीवरी होती है तो क्या करता है, ये जो है अनैच्छिक पेशियों को सिकोड़ता है, संकुचित करता है, ठीक। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि इस हार्मोन के डिसबैलेंस से, जब ये हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो समय से पहले ही, यानी अगर हम बात करें जो मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में गर्भकाल लगभग 280 दिन का होता है, ठीक। तो दोस्तों होता यह है कभी कभी इस गर्भकाल के दिन पूरे होने के पहले ही इस हार्मोन में जब डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, यानी जब ये बैलेंस में नहीं होता, अनियंत्रित होता है दोस्तों, तो क्या करता है ये समय से पहले क्या करता है, इन अनैच्छिक या अरेखित पेशियों को सिकोड़ देता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, गर्भपात, यानी बच्चा पहले ही उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कहते हैं गर्भपात। यानी गर्भपात कराने वाला हार्मोन कौन सा होगा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है यहां से कि यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के स्राव को उत्तेजित करता है। ध्यान देना, दुग्ध का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों दुग्ध का उत्पादन LSH हार्मोन करता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। अगर हम बात करें दुग्ध के स्राव की, तो दोस्तों दुग्ध का स्राव कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। लेकिन ये ऐसा हार्मोन है जो दुग्ध ग्रंथियों को फैला करके दुग्ध निष्कासन को क्या करता है, प्रेरित करता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको ये मादा जो है स्तन है, सो फ्रेंड्स ये हार्मोन करता क्या है, ये ऐसा, देखिए अब यहां पे ये हार्मोन हो गया और यहां पे ग्रंथियां होती हैं बहुत सारी, दूध ग्रंथियां, और ये मादा का जो है स्तन है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूध के निर्माण की, दूध का निर्माण, तो ये करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, LSH हार्मोन। यानी कि दुग्ध का निर्माण कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। परंतु यहां क्वेश्चन क्या है कि दुग्ध निष्कासन करने वाला हार्मोन, तो ध्यान देना ये ऐसा हार्मोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दूध निकालने वाला हार्मोन, दूध निकालने वाला हार्मोन। अगर बात करें कैसे ये फंक्शन करता है, सो फ्रेंड यहां देखिए जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, ये ऐसा हार्मोन है दुग्ध ग्रंथियों को क्या करता है, फैलाता है, जिससे दूध आसानी से निकल जाता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो मादा में दुग्ध स्राव कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, क्योंकि ये मादा की स्तन ग्रंथियों में उपस्थित रहकर दुग्ध के स्राव को उत्तेजित करता है। अब दोस्तों यही कारण है कि इसी का एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है स्टिलविस्ट्रॉल। यानी कि ऑक्सीटोसिन से ही संबंधित एक इंजेक्शन आता है स्टिलविस्ट्रॉल, और इसी इंजेक्शन का प्रयोग आजकल कृत्रिम रूप से गाय और भैंस के थन से दूध उतारने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टिलविस्ट्रॉल ही वह इंजेक्शन है जिसको गाय या भैंस को लगा देते हैं, जिससे दूध आसानी से निकल जाता है, क्योंकि यह ऐसा हार्मोन है जो दूध के स्राव को क्या करता है, यानी कि दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। लेकिन दूध का निर्माण कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, इस बात का ध्यान दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का फुली कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा, और इसके बाद हम समझेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उससे निकलने वाले हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को
बिल्कुल ऐसे ही अच्छी क्लासेस मिलेंगी, फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा आर ओ ए आर ओ में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को, आपको दिए गए इस नंबर पर एंट्री करना है, एंट्री आर ओ ए आर ओ लिख करके 8736093317 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जी हाँ, व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करने के बाद एडमिशन प्रोसेस या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और समीक्षा अधिकारी से संबंधित कोई जानकारी दोस्तों आपको इस नंबर पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में पीयूष ग्रंथि के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।